अगर ऐसी दाल बनेगी तब तो मैं डेली दाल चावल खा सकता हूँ, वरना तो मैं दाल चावल से दूर ही रहता हूँ। मुझे लगा नहीं था कि कोई दाल मुझे इतना ज़्यादा टेस्टी लग सकता है। तो इसलिए जिसको इसको दाल नहीं पसंद है ना, वो ये ट्राई करके देखो। देखो, देखने के बाद थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन सच बता रहा हूँ, जैसे नॉर्मल दाल बनती है ना, लगभग वैसा ही है। बस हाँ, एक स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो वो एक्स्ट्रा काम ये है कि एक कप आटा ले लो, थोड़ा सा पानी डाल दो, अब इसे ना अच्छी तरह से गूंथ लो। देखो, कुछ अलग नहीं करना है, जैसा रोटी के लिए करते ना, बस वैसा ही। अब इसमें ना कुछ सब्जियां भी डालनी है, जैसे कि प्याज, टमाटर, हरी मिर्च। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च एकदम बारीक बारीक काटना है। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च या फिर जो भी सब्जियां ले रहे हो, सबको ना एकदम बारीक ही काटना है। प्याज, टमाटर तो दो दो ले लिया है, लेकिन हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से लेना। फिर अब क्या करना है, दाल को पकाना है। तो मैंने जो दाल भिगा के रखा था ना, उसे कुकर में डाल दिया है, साथ में 2 कप पानी, और साथ ही साथ आधा छोटा चम्मच नमक भी डाल देंगे, और इसमें ना 3 से 4 सीटियाँ आने देंगे। और जब तक सीटियाँ आ रही है कुकर में, तब तक जो आटा गूंथ लिया था वो ले लेंगे। अब इसे ना पहले तो रोटी की तरह बेलना है। देखो, थोड़ा सा काम ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी कहूँगा कि बना के देखना, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। तो देखो, रोटी की तरह बेलने के बाद फिर एक छोटा सा ढक्कन ले लो, इस तरह से काट लो, और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हटा लो। फिर जो आटा काट लिया है उस पर ना चारों साइड से पानी लगा लो, और फिर इसे शेप कैसे देना है वो आप देख सकते हो। फिर इस तरह से सभी को बना लिया है, और इसके बाद कुकर का ढक्कन निकाल लेंगे जिसमें दाल पकने के लिए रखा था। दाल को डाल देंगे कढ़ाई में, फिर जिसे शेप दे दिया था वो भी डाल देंगे, और थोड़ा सा तेल डालकर गैस को ना मीडियम फ्लेम पर रख के इसे पकने देंगे। और जब तक ये बन रहा है तब तक हम तड़का बना लेंगे। तो ले लो एक पैन, उसमें डाल दो तेल या घी, फिर इसे गर्म करके आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने, आधा छोटा चम्मच जीरा, दोनों जैसी अच्छी तरह से पक जाए डाल दो करी पत्ता, और करी पत्ता के साथ ही डाल दो बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन डालकर लहसुन को अच्छी तरह से पका लो, और फिर डाल दो वही बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज डालने के बाद गैस का फ्लेम तेज कर देना, लगातार चलाते रहना ताकि प्याज जल्दी जल्दी पक जाए। फिर डाल दो हरी मिर्च, हरी मिर्च को भी वैसे ही पका लो, और जब हरी मिर्च अच्छी तरह से पक जाए तब डाल दो टमाटर, टमाटर को भी अच्छी तरह से पका लो। फिर इसके बाद इसमें डाल दो नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और इन तीनों को भी अच्छी तरह से मिला लो। और जब हल्दी लाल मिर्च थोड़ा बहुत पक जाए तब इसे निकाल कर डाल दो दाल में। दाल में डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लो, और फिर इसे मिलाने मिलाने के बाद ऊपर से डाल देना थोड़ा बहुत धनिया, और धनिया मिक्स करने के बाद इसे निकाल लेना। सच्ची बता रहा हूँ, एक बार ट्राई करके देखो, अगली बार ना नॉर्मल दाल चावल खाओगे नहीं। और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना।